बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हमें ए और बी फॉर्म में दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं इसको टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। खैर अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि जो अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा तो पहला वाला नंबर जो है वो a कहलाता है और जो दूसरा वाला नंबर है वो b कहलाता है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, देयर फोर z इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 1 प्लस बी की जगह आएगा 2, मतलब आयोटा 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, बोथ आर सेम, क्योंकि फॉर्मेट ये है कि पहले कोफिशेंट आता है बाद में अल्फ़ाबेट आता है, दैट्स वाई ये बेहतर तरीका है। अगर इस तरीके से भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर पार्ट 2 में इसमें कहता है कि 2 एंड 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम तरीका, सिंस जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और हेयर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2, देयर फोर z इज इक्वल टू a की जगह 2 आ जाएगा प्लस b की जगह आ जाएगा 2 आयोटा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में कहता है सिंस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हेयर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह 0 आएगा प्लस 4 आयोटा आएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस में हो रहा है, तो z इज इक्वल टू 4 आयोटा, ओनली 4 आयोटा विल बी अवर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज माइनस 1 एंड 1, तो सिंस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हेयर a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 आयोटा। अब जो कोफिशिएंट में जो 1 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, इस तरीके से करके लिखेंगे। अब इसको जिस तरीके से जहनशीन करें, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये अपोजिट है, मीन्स ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए होंगे, हमें उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने होंगे। अगर कभी वहाँ पे आयोटा दिया हुआ है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कहीं पे रियल पार्ट दिया हुआ ही नहीं है तो वहाँ पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, माइनस 2 एंड 0 है, तो इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेंस जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और हेयर a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा आएगा मल्टीप्लाई बाय 0। जीरो से किसी भी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करें, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, आंसर हमारे पास 0 ही आना है। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, राइट। अब सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में क्या कहता है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हेयर a इज इक्वल टू माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू 4, देयर फोर z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, राइट। अच्छा अब जैसे आपने देखा, मैंने हर सवाल में मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप भी हर सवाल में प्रैक्टिस करते हुए फॉर्मूला उतारेंगे, इससे क्या होगा कि फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिक आपको ये मेमोराइज हो जाएगा।